और अच्छा ही पॉजिटिव होने के बाद में आदमी एक भी बचा नहीं है। मैं भी आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं, एक दफा मेरे को बीमारी हो गई उसको डॉक्टर ने तो कहा आपको भ्रम है, कुछ नहीं है, रोग है ही नहीं। मेरे एक मित्र थे श्रीराम दुबे, वो अच्छे ज्योतिषी थे, यूपी के थे, उन्होंने कहा आपको फोबिया है। मैं नहीं जानता तो फोबिया क्या होता, फिर बताया भी आपके जीवन का आखिरी टाइम है। तो मैंने कहा दुबई जी है तो सबको आना है, कंड के इससे बचा भी जा सकता है, हमारे धर्म में कई उपाय हैं। मैंने पूछा कैसे बचा जा सकता, कहते मां मृत्युंजय का जप करो। बड़ा कर्मकांड था, अजीब था, मेरे से होना नहीं तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा दो बजे आ जाएगा, आज नहीं कल आएगा, फोबिया तो आना है। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र से भी हो सकता है। 68 में मैंने अक्टूबर में मैंने ये गायत्री मंत्र सिद्धि स्टार्ट की, स्वाहा के साथ घी जलाया, 2-3 किलो घी जलाया। एक जनवरी को 1969 को उसकी सिद्धि हो गई। रेलवे में रहता था, उस रेलवे क्वार्टर में था, ग्यारह 4-55 से 30-86 तक रेल की नौकरी की। फिर गुरुदेव का आदेश हो गया कि इस काम को करो, तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से यह काम करता। रेल की नौकरी में रिटायरमेंट तो था, इसमें रिटायरमेंट ही नहीं है, ये तो जब तक जिंदा रहूंगा गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। तो एक मेरा एक मिशन है, व्यवसाय नहीं है। लोग निश्चित रूप से व्यवसाय चलाते हैं, समझा। तो इस प्रकार मैं जो आपको दीक्षा दूंगा उससे आपकी कुंडलनी जाग जाएगी। वो सवाल को गायत्री मंत्र होने के बाद में फोबिया तो मिट गया, और एक ऐसा अजीब परिवर्तन आ गया जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं की थी। झूठ बोलने से डरता था, समझा। दुबे जी ने पूछा सिद्धि हो गई तो क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ। फिर बीकानेर में पुष्करना समाज अच्छे विद्वान है, वो कई बैच में आए, पूछा क्यों किया था, मैंने कहा एक मानसिक तनाव था इसलिए किया था, रुपया पैसा उद्देश्य नहीं था मेरा। तब फिर उन्होंने कहा कि आपको तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए, आपको सिद्धि होगी, आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग लाखों रुपए देंगे, हमारा भी साथ भला हो जाएगा। पहले तो मेरे समझ में नहीं आया कि पैसा कौन देगा इस कलयुग में, फिर जो परिवर्तन आ गया उससे बड़ा अजीब बदलाव मुझ में आ गया। तब मैंने कहा महाराज ये काम तो बड़ा सौदा महंगा है, सोना देऊं और लोहा लेऊं। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर मेरे समझ में नहीं आई ये धन लेने वाली बात। फिर आखिर एक सर्टिफिकेट दे गए, कहने लगे जाट है इसकी अकल में नहीं आएगा। खैर मुझे सबसे ज्यादा समझ में आया गायत्री मंत्र। उसके बाद में 1900 स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए, उन्होंने कहा गुरु के बिना इस रास्ते पर नहीं चला जा सकता, तो नाथ जी को गुरु बना लिया। गंगानाथ जी महाराज बीकानेर से पंजाब की तरफ 27 किलोमीटर दूर है आश्रम, वहां भी एक सन्यासी अभी बैठते हैं।
मुझे कहा कि इसका तेरे को प्रचार करना है, ये दर्शन विश्व दर्शन हो, इसलिए तुम कोशिश करो। तीन दफे मैं अमेरिका गया, एक दफे इजराइल गया। अमेरिका में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद जी और योगानंद जी के बाद में वहां कोई नहीं गए थे। हाँ, मैंने सुना है अमेरिका में कि योगानंद जी ने पहले बता दिया था कि मैं इतने वर्ष के इतने सेकंड में मरूंगा, और वो बोलते बोलते चले गए, कैलिफोर्निया स्टेट में शायद हो गए। 20 दिन तक उनके शरीर को रखा, वैसे शरीर में सुगंध आने लगी। तो वहां के डॉक्टर्स ने लिखा है कि भारतीय योग दर्शन है, ये हमारे समझ से बाहर की चीज है। हाँ, इजराइल में मेरे बहुत लोग शिष्य हैं। तो ये प्रचार करना है, विस्तार करना है, मेरी नहीं, इस देश के आम नागरिकों की ड्यूटी है। मैं इस शरीर रूप ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूं। नशा छूट जाता है, बहुत आदमी इसलिए दीक्षा में नहीं आते, उनका नशा छूट जाता। वो भी ठोस आधार पर छूटता है नशा भी। कल्पना, हमारे धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है, ये क्रियात्मक योग है। मैं आपको दूंगा कुछ नहीं, नाम जब बताऊंगा वो जब करोगे तो आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला मंत्र 1906 में प्रकट हो गया, एक अखबार निकला था बंगाल से, वंदे मातरम। अंग्रेजों की नींव हिला दी उस अखबार ने। दूसरे के लिए अरविंद ने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। अमेरिका में मुझे बड़ी परेशानी हुई संजीवनी मंत्र बताने में। हमारे धर्म में तो राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण के तीर लगा था, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी संजीवनी बोटी का पार उठा लाए, दिया, होश में आ गए। अगर मर जाते तो कुछ नहीं होता। तो मैं इस देश में ये बात चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप लोग जितने भी बैठे हैं, चाहे हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कैंसर है, एड्स है, कोई बीमारी है, और डॉक्टर ने कह दिया है कि आप नहीं बचोगे, तो ये मंत्र अभी से शुरू कर दो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज तक कोई नहीं मरा, नाम जप करना पड़ेगा, समझे? नाम जप आपको करना पड़ेगा। मुझे मालूम है लोग अनुष्ठान करवाते हैं अपने भले के लिए, दूसरे से करवाते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने नाम जप किया, मुझे फायदा होगा, आप अगर नाम जप करोगे तो आपको फायदा होगा। ये धन ऐसा है जो कमाता है उसी के खाते में जाता है, इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती, समझा? तो इस प्रकार नशे का कारण नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दे तुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात। यही बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चटी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। इस प्रकार आप जो मैं मंत्र दूंगा उसको जपोगे
नाम राउंड के लोग जपना पड़ेगा। दो आराधना के तरीके हैं, एक ध्यान और गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। का ना अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी, किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो, अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लिंग शब्द कह आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए क्रह में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। जय गुरुदेव। सही बच्चों से अनुरोध है, अब हम लोग ध्यान में प्रवेश करेंगे। कृपया अपना कैमरा ऑन कर ले और हम लोग 15 मिनट के ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ, सही बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी मंच पर विराजित सभी बच्चों का हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन। यह कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की कृपा से हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में चलता है। सुबह 9 बजे से शुरू होकर के 9, 10 या 12 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव इस दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, आपके जीवन में इसका प्रभाव, आपके जीवन में इसका बदलाव, आपके जीवन में आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसको बताते हैं गुरुदेव। और फिर अंतिम में गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको गुरुदेव कहते हैं कि संजीवनी मंत्र है, आप इसको जपोगे तो किसी बीमारी से नहीं मरोगे, किसी समस्या कोई समस्या नहीं रह जाएगी आपके जीवन में। ये संजीवनी मंत्र है, उसका भी उदाहरण गुरुदेव विस्तार से देते हैं कि सिद्धयोग ये संजीवनी मंत्र कैसे आपके जीवन में काम करता है। और फिर 15 मिनट का इस मंच पे 9:15 से 9:30 तक ध्यान कराया जाता है सारे बच्चों को। ध्यान के बाद फिर बच्चे अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, फिर वो यूट्यूब पे अपलोड होकर के उसको दुनिया देखती है कि मतलब सिद्ध योग के माध्यम से बच्चों के जीवन में कैसे विकास होता है, कैसे प्रभाव डालता है सिद्ध योग। सिद्ध योग ऐसा योग है जो निशुल्क है, इसमें आपका बस समर्पण, आपका सरेंडर। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु आपके प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है, वो धन दौलत का भूखा नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा अपनी अनुभूतियों को बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। सबसे पहले कौन आ रहे हैं कृपया हैंड रेज करें, आज बच्चे काफी हैं, बारी बारी से आप सभी को मौका मिलेगा। हरीश भट्ट जी की आईडी से निवेदन है कि कृपया मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं, अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न हो तो भी आप रख सकते हैं। जय श्री गुरुदेव। हरीश भट्ट जी की आईडी से 2-3 बच्चे जुड़े हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव जी, बोलिए। पिछले 15 दिनों से आप लोग ध्यान कर रहे हैं रेगुलर, 15 दिनों में आपको कोई परिवर्तन, ध्यान के दौरान कोई अनुभूति, कोई ऐसा दिव्य अनुभव जो आप इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं तो कृपया बताएं। परसों हुआ था जी, बताइए। परसों मतलब बकरियां चर रही थी एक पूरे मैदान में, और गुरुजी एक बड़े से पत्थर पे बैठे हुए थे। ये आपने ध्यान के दौरान देखा था? हां जी, ध्यान के दौरान देखा था। वाह भाई वाह, शाबाश। और कोई अनुभव अनुभूति? हाँ जी, एक और हुआ था, मैं मेरी गर्दन की एक्सरसाइज हो रही थी। बढ़िया, कैसे हो रही थी थोड़ा बता सकते हैं उसको? मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। अच्छा, तो गर्दन में आपके तकलीफ वगैरह है? हाँ जी, कभी कभी दर्द करती थी बस। हाँ देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि मातृशक्ति कुंडलिनी वही योग करवाएगी और उसी अंग का योग करवाएगी जो अंग आपका बीमार है।
इस योग में सिद्ध योग में वही योग होता है जिस जो अंग आपका बराबर काम नहीं कर रहा या उसमें कोई दिक्कत है परेशानी है उसी का योग होता है। आप इसको स्वीकारते हैं कि नहीं सच में उसी अंग का योग होता है मातृशक्ति कुंडलिनी योग करवाती है? हाँ जी जी। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं। जय गुरुदेव। आपके साथ में दो तीन और बच्चे थे उनको भी सामने आने दीजिए। जय गुरुदेव बिटिया आपका स्वागत है मंच पर। आप अपना शुभ नाम बताएं। सृष्टि भट्ट। सृष्टि भट्ट जी आपकी उम्र क्या है? मेरी 17 साल। 17 साल आप क्या कर पढ़ रही हैं आप? हाँ जी जी। कौन सी क्लास है आपकी? 12वीं। 12वीं में पढ़ रही हैं। तो गुरुदेव से आपका जुड़ना कैसे हुआ बिटिया? मतलब रिलेटिव्स के थ्रू पता चला तो मैंने स्टार्ट किया। बट मैं जैसे करती हूँ ध्यान तो अंधेरा लगता है और सर घूमता है, फिर मेरे को मतलब डर सा लगता है तो मैं बाहर आ जाती हूँ एकदम। क्यों डरती हैं आप? मतलब बिल्कुल अंधेरा लगता है और फिर चक्कर से आते हैं। ये तो आनंद है, इसमें जितना आप डूबेंगे उतना ही आनंद आएगा। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव जो भी मेरा डर है उसको दूर कीजिए, सब दूर कर देंगे। और इसमें ऐसी अनुभूतियां होती हैं आपको सुन करके ताजुब होगा और आश्चर्य होगा कि ऐसा भी होता है क्या। आपने खुद महसूस किया होगा कि उस मातृशक्ति कुंडलिनी में कितना पावर है। हाँ जी। और आप जैसे बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं फिलहाल उनके लिए तो मतलब एक रामबाण औषधि टाइप है सिद्धि योग। आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहेंगे इस सिद्ध योग के माध्यम से गुरुदेव की कृपा से और मंत्र के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन का कोई लक्ष्य हो उसमें आप एकदम जो भी लक्ष्य हो आपका वो पूरा होगा। गुरुदेव कहते हैं कि बस आप झुक करके मांग लो, मैं तो अपने गुरु के आदेश से दुनिया को लुटाने निकला हूं। बस हमें लूटने आना चाहिए। लूटने का मतलब यह है कि उस मंत्र को आप जपिए और सुबह शाम ध्यान करते रहिए नियमित, तभी गुरु की कृपा बरसती है। और गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तो वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है और ध्यान करता है। मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप लोग नियमित नाम जप करते रहे निरंतर। जितना ज्यादा से ज्यादा आप नाम जप करेंगे आपके जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहेंगे आपको मिलेगा। और कुछ आप बताना चाहेंगे सिद्ध योग के बारे में? आपका कोई संदेश जैसे आप कुछ कहना चाहती हैं कि सिद्ध योग क्या है, एक कैसे आपके जीवन में काम करता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने मतलब अभी शुरू किया है बस सिद्ध योग। तो अभी ज्यादा आपको अनुभव नहीं है इसलिए आप नहीं कुछ कह पाएंगी। जी बिल्कुल। आप तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नियमित ध्यान करते रहें और आपका अनुभव तो ऐसे ऐसे आएंगे ना कि जैसे जैसे आप इसमें डूबते जाओगे वैसे वैसे आपको अनुभव होते जाएंगे। यथा समुद्र है, जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना ही आपका विकास होगा। बस इसमें एक ही चीज करनी है, नाम को नहीं छोड़ना है, नाम जपते रहना है रोवी ओट जी हिलाए बिना, मानसिक जप। और सुबह शाम बस 15 मिनट का आप ध्यान कर लीजिए। अगर सुबह समय नहीं मिल पा रहा तो कम से कम एक टाइम तो आप ध्यान जरूर करें, ध्यान न छोड़े। ध्यान के दौरान ही आपको अनुभूतियां होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने आया, आप आए और मंच पे आपने अपनी बात रखी। और कोई आपके अगल बगल है तो उनको भी मौका दीजिए। और कुछ करना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। और भी कुछ छोटे बच्चे हैं जो शेयर नहीं करना चाह रहे? अच्छी बात, कोई बात नहीं। जिनको जिनको जिज्ञासा हो रख सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो बस गुरु की कृपा है, गुरुदेव जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है।
और कोई बच्चा अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं मंच पे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह जी की आईडी से बच्चे अगर जुड़े हैं तो निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। है रखे रहे गणेश भगवान जी तो सब बच्चे उसी में लगे रहे तो किसी का ध्यान छूट गया किसी ने किया किसी ने नहीं किया ऐसा चल रहा था तो बता काम करना बोलते रहे कब करेंगे कोई बात नहीं। ठीक है गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी। दिलीप सिंह गुरु भाई आपके आईडी से अगर कोई बच्चा जुड़ा है तो कृपया मंच पे लाने का कृपा करें। दिलीप सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी। जय गुरुदेव जी। कोई बच्चा तो नहीं है मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात। दशरथ सिंह जी की आईडी से कोई बच्चा अगर जुड़ा है तो स्वागत है। दशरथ सिंह जी गुरु भाई मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया अपनी बात रखिए। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उनको मंच पर लाने का प्रयास करें। यही निवेदन मेरा राजेश मेवारा जी से भी रहेगा कोई बच्चा है तो कृपया मंच पर लाइए। नहीं तो मैं रवीना गुरबान से निवेदन करूंगा कि अपने क्लास के बच्चों का कोई नया अनुभव हो तो बताएं कृपया। जय गुरुदेव। गुरबान। जय गुरुदेव। गुरु भाई सभी प्यारे प्यारे बच्चों को साधकों को सभी को जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बना रहे। और आज मेरे ख्याल से पीके भाई साहब का जन्मदिवस भी है ना भाई साहब। पता नहीं मेरी माँ का तो गाना कुछ और है। ओके जो भी है दूसरा जन्म लगा लीजिए या भगवान की कृपा लगा लीजिए। गुरुवार मेरा तो दूसरा जन्म 2005 में ही हो गया था। हाँ तो चलिए ये लगा लीजिए। गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे आप पर और सदा उनका आशीर्वाद रहे। और वो ये बात तय है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ है बिल्कुल सदैव साथ है। और ऐसा नजर आता है कि वो खड़े हुए हैं हमारे साथ। हर एक विपत्ति हमारी नहीं है उनकी है। हर एक मुश्किलों में जो है ना वो खड़े रहते हैं। हमारी लाइफ उनकी लाइफ है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि हर एक उलझनों का जो जिससे हम उलझे हुए हैं मकड़ी के जाल की तरह और जैसे गुरुदेव भगवान कैसे साफ कर देते हैं ना तो वो वाले हमारे गुरुदेव हैं। वो वाले हमारे गुरुदेव भगवान हैं। कल की अवतार है और छोटे छोटे साधकों के तो बहुत सारे ऐसे मतलब उनको तो कृष्णा दिखते ही रहते हैं क्योंकि कृष्णा भगवान उनको ज्यादा वो लोग छोटे छोटे जब उनके आशीर्वाद वो उनकी अनुभूतियां बताते हैं तो बहुत ही रोमांचित भी हो उठते हैं हम। और ऐसे भी बच्चे इधर भी बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बेटा ये एक ऐसा सिद्ध योग है जो आपकी पढ़ाई में तो तरक्की करेगा ही। आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है ना जो ऑल ओवर प्रत्येक रूप में आप जो सक्षम होंगे। आप बोलने में हेजिटेशन कोई करते हो या फिर दिखने में हेजिटेशन करते हो या अपने आप को छोटा मानते हो ऐसे गुरुदेव भगवान चमका देंगे ना आपको और वहां दुनिया के सामने खड़ा कर देंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। जो बच्चा नहीं बोल सकता नहीं पढ़ सकता ऐसी कोई चीज नहीं है सिद्ध योग में गुरुदेव भगवान के दरबार में कि जो चीज इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल लेकिन बशर्ते एक ही है बस 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम और बाकी समय में आपको गुरुदेव भगवान के मंत्र जाप पे ध्यान देना। तो आपका पूर्ण विकास जो बोलते हैं वो यहाँ पर होगा सिद्ध योग में। आपको किसी तरह की बीमारी है आपको चश्मे लगे हुए हैं
आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे कि नहीं मेरा ध्यान नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, आपका मेमोरी लेवल इतना हाई हो जाएगा, आपको एक बार देखना ही पड़ेगा, बस बुक में से पढ़ना ही पड़ेगा। और वो जो हाई फाई जो जितने भी रिटन टेस्ट है ना, वो यू क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो परम सत्ता आपके साथ है, वो याद करवाने वाले, वो ध्यान दिलवाने वाले, हर एक मुश्किलों से निकालने वाले। कल मैं एक परसों एक वो सुन रही थी कि मैं एक साधारण से परिवार से हूँ, लेकिन मेरे भगवान ने चार चार नौकरियां दी मुझे, एक छोड़ी एक पकड़ी, एक छोड़ी एक पकड़ी। तो ऐसा नहीं है, बोले कि मैं साधारण से, ना मेरे पास पैसे देने को ना कुछ, और पैसों का तो कोई काम ही नहीं है गुरुदेव भगवान के प्रोग्राम में कुछ भी, इनके जो इनके सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनका सॉफ्टवेयर ऐसा है, पैसों का तो कोई काम ही नहीं है, जो काम होते हैं फ्री में होते हैं, उनके आशीर्वाद से होते हैं, क्योंकि सबके साथ यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं या बैठे हैं, सब अपने एक्सपीरियंस, सबके अपने साथ जो अनुभूतियां हुई है, जो भगवान ने दिया है सब कुछ। और मैं तो पीके भाई साहब, बस जो मुझे दिया है ना, जो मुझे मिला है, दुनिया के प्रत्येक आदमी को, औरत को, बच्चे को, सबको मिले, क्योंकि मेरा भगवान ही इतने पावरफुल है, इतनी वो साक्षात कल्कि अवतार है। और जिस दिन ये दुनिया को समझ में आ जाएगा, तो हमारा जो भारत है, विश्व गुरु जो है कहलाने में कोई इसमें दोहराई नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है कि बिल्कुल विश्व गुरु कहलाएगा, हमारे गुरुदेव भगवान जिस दिन चाहेंगे। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह है, आप भावी भारत, हमारे होने वाले जो है सोने का भारत, जो है सोने की चिड़िया बोलते थे, आप लोग संभालने वाले हो, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा गुरुदेव भगवान का, जो कि बहुत जरूरी है। बस यही शर्त है, 15 मिनट सुबह शाम दे दोगे ना आप, तो लाइफ आपके नाम हो जाएगी, पूरी लाइफ आपके नाम हो जाएगी, अच्छी लाइफ। भगवान ने जो चाहा, भगवान जो चाहेंगे, आपके अनुसार नहीं, भगवान जो चाहेंगे, बहुत अच्छा चाहेंगे। और भगवान, ये मेरी मेरा आप भरोसा कीजिए, और अपने भगवान कल्कि अवतार पर भरोसा कीजिए, वो सब कुछ देंगे, जो कहीं नहीं मिला वो यहाँ मिलेगा, भगवान के दरबार में मिलेगा। यही है पीके भाई साहब, फिर से एक बार पुनर्जन्म के लिए, या दोबारा जो अच्छे जन्म के लिए, आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां, कामनाएं, शुभकामनाएं, भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे आप पर। जय गुरुदेव। मैं इतना ही कहना चाहूंगा गुरबान की, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो समर्थ सतगुरु पाया है। बिल्कुल, नो डाउट। वो पिछला जन्म हमारा अच्छा रहा होगा, इस जन्म में गड़बड़ की हो गई होगी, लेकिन वो संभाल लिया गुरुदेव ने कि तुम पीछे अच्छे करके आए हुए। उपकार किया, उपदेश दिया, उसने हमको अपनाया है। बिल्कुल, इसमें कोई हमारी वो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। गुरुदेव का ही उपकार है हमारे ऊपर। बिल्कुल, गुरुदेव का। आज वो आप सभी के समक्ष बोलने के लायक जिंदा रखे हुए शरीर को, अभी एकदम फिट रखे हुए, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और बीमारी के नाम पे एक रुपए का खर्च भी नहीं। बीमारी इसलिए दी थी कि आप एग्जांपल बनो दुनिया के सामने, आपको दी बीमारी इसलिए। बहुत सारे लोग आश्रम में बोलते हैं कि गुरु पीके सिंह जी भाई, बीमारी तो एक बहाना थी आपके, नहीं तो फिर आप आते ही नहीं इधर। सभी के साथ यही है, अच्छा खुश आदमी कौन आएगा यहाँ पर। सही बात है, यहाँ पर तो जो मैं कह रही, मैं 95% जो है ना बहुत ही दुखी बीमारियों वाले आदमी आते हैं, 5% जो लगता है कि भाई उनके बहुत ही अच्छे प्रारब्ध रहे हो, कि भगवान जिसको बिल्कुल ही नियर डियर है, कि वो भगवान को पाना चाहते हैं, वही लोग हैं। सही बात है, जब आदमी पूर्ण रूप से संपन्न है तो भगवान की क्या जरूरत है उसको। बिल्कुल, क्या जरूरत है भगवान की, भगवान। और ये एक और भी चीज है, यहाँ पर अमीर गरीब का कोई वो नहीं है, हमारे गुरुदेव भगवान तो इतने सिंपल है, ज्योत लगाने को भी नहीं बोलते, तुम्हारा घी भी नहीं लेते, थोड़ा सा अगरबत्ती भी लगाने को नहीं मांगते। वो तो कह रहे हैं अपने अंदर बैठे भगवान को पहचानो बस। यहाँ तक कि गुरुवार बहुत सारे कार्यक्रम में गुरुदेव ने प्रोग्राम खत्म किया
वही से पधारो। हाँ बिल्कुल। देखो ये सिलेक्शन है, वो कल प्रवीण जी बता रहे थे परसों, पहले गुरुदेव भगवान सिलेक्शन करते थे जब साक्षात थे, प्रत्यक्ष रूप से थे हमारे साथ, तो पहले ऐसे करते थे और जिनको उठाना होता था ना, क्योंकि मैंने सुना है एक बार, मैंने किसी साधक की ही वो थी, वो बता रहे थे कि गुरुदेव भगवान कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल पड़ते थे, महाभारत का रामायण का, रामायण में महाभारत कुछ ऐसी बातें बता देते थे, आधे साधक उठ के ही चले जाते जो काबिल नहीं थे। तो और फिर जो बाद में बैठे हुए होते थे ना, उनको दीक्षा देते थे, मतलब ऐसे भी छटनी करते थे क्योंकि उनको पता था कौन किसके लाएगा। आधे तो उठ के जिनको यकीन नहीं होता भगवान पे, कहते कि ये क्या बताएंगे, ये खुद ही गलत बता रहे हैं। तो ऐसे कुछ वर्डिंग गुरुदेव भगवान मुंह से निकालते थे कि उनको यकीन ही नहीं होता कि ये गुरुदेव भगवान कैसे दीक्षा देंगे। तो ऐसे भी हमने सुना है, देखा है। तो गुरुदेव भगवान का जो हम सेलेक्टेड कैंडिडेट है, यहाँ पर VIP कैंडिडेट है, ऐसे नहीं है। और गुरुदेव भगवान बोल के गए थे 100 लोग जो मेरा प्रचार करेंगे ना, 100 साधक ही मुझे बहुत है दुनिया को दिखाने के लिए, 100 ओनली। पूरी दुनिया कितने करोड़ है, कितने अरब है, तो वो कह रहे हैं अगर 100 भी अपना योगदान देंगे वही काफी है, वो भगवान अपने आप देख लेंगे, जहां जाना है, जहां प्रचार करना है, जिसको जोड़ना है, बस हमारा काम है एज ए मैसेंजर, एज ए पोस्टमैन, चिट्ठी डालाओ घर घर। सही बात, हमारा तो काम है संदेश पहुंचाना बस। हाँ, वो पढ़ने वाले पे डिपेंड है, वो किस तरह से पढ़ता है उस चिट्ठी को, पढ़ने वाले पे वो सक्षम है या नहीं है, वो उस पे डिपेंड है। अब वो किसको पढ़वाएंगे वो भी उन पे, भगवान पे ही डिपेंड है, ऐसे नहीं है। चिट्ठी तो बहुत, मैं एक स्पेस से जुड़ता हूँ, कई 2-3 स्पेस में जुड़ता हूँ, उसमें भजन वगैरह का कार्यक्रम चलता है, तो मेरी तो बस गुरु वंदना ही चलती है। तो किसी को कैंसर, किसी का आए थे, मैंने ऐसे ही मंच में बोला था कि हमारे गुरुदेव हैं ऐसे ऐसे, उनके माध्यम से मैं ठीक हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो उनको कैंसर की शिकायत थी गले में, एक करीब 1.5 साल पहले, अभी 15 दिन पहले फिर स्पेस में मिले थे। पूछा भाई साहब क्या तबीयत, बोलते हैं मैं एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सारी रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है। चाहिए और क्या चाहिए, आपका मैं बड़ा आभारी हूँ गुरु भाई। बोला नहीं, मेरा आभार आप बिल्कुल न प्रकट करें, बस गुरुदेव। अच्छा, का ये बात भी तय है पीके भाई साहब, गुरुदेव भगवान ने जहाँ जहाँ बिठा रखे है, किस पोस्ट पे कहाँ बिठाना है, किसके जरिए मैसेज पहुंचाना, ये बात भी गुरुदेव भगवान पे ही तय है। कल जो एक कैसे, जो कैंसर का पीड़ित है, वो उसका बता, मेरी भांजी का बोले उनके फादर है, मतलब उनके बहनों ही होंगे मेरे ख्याल से। तो फिर बोले वो मानते ही नहीं, क्योंकि खुद वो उनकी लड़की प्रोफेसर, वो पढ़े लिखे इतने, अब पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे ही समझा सकते हैं उनको ना, अनपढ़ व्यक्ति, वो बोला मैडम मैं अनपढ़ हूँ, वो मेरे समझ ही नहीं रहे वो लोग, मैं कितने दिन से उनके पीछे पड़ा हूँ। जब मैंने फोन किया तो इजीली वो वंदना मैं अच्छे से समझ गई कि बोले आप तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी अभी से ठीक शुरू होना हो गए। तो ये भी भगवान ने किस पोस्ट पे, वो मैं ऐसे, मतलब उनको जब मैंने अपना दिया, मैं टीचर हूँ, हस्बैंड कमिश्नर है, तो इस तरह से वो सोच रहे होंगे कि ये लोग कर रहे हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से भी तो भगवान ने ये भी सिलेक्टेड लोग ही कि कहाँ कौन से क्या देना है तुम्हें और वहां बताना है, ये भी उन्हीं का आदेश है। एक ट्रेडमार्क लोगों ने बना दिया बहन कि पढ़े लिखे लोग मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, या अनपढ़ गवार लोग, गरीब लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, एक ट्रेडमार्क बना दिया है। हाँ, इन चीजों का यही वही हो गया कि पढ़े लिखे लोग, जबकि ये तो साइंस से जुड़ा हुआ है सिद्ध योग तो हमारा, ये तो बिल्कुल, जब अगर इनको अंदर जाएंगे ना, समझेंगे ये लोग साइंस के, जो ऐसे तो पागल बोलते हैं साइंस के लोगों को, लेकिन इनका जब जाएंगे ना तब समझेंगे ये। सही बात। तो गुरु भाई बिल्कुल पूर्ण सत्य है, हमारे कल के अवतार भगवान, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे सभी पे गुरु भाई। जी जी बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। जय गुरुदेव भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
राजेश सिंह आपके साथ अगर कोई बच्चे वगैरह हैं तो आपका स्वागत है मंच पर। राजेश जी गुरु भाई, राजेश जी की आईडी से अगर कोई बच्चा जुड़ा है तो मंच पे स्वागत है। वैसे भी कार्यक्रम का समय हो चुका है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना कैमरा माइक दोनों अनम्यूट कर लें और गुरुदेव श्री चरणों में जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। सभी से निवेदन है कृपया कैमरा माइक सब आप अपना अनम्यूट कर लें। जयकारा लगाने के लिए तैयार हो जाएं आप सभी। विक्रम जी, गुरु भाई, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? बच्चों से जयकारा लगवाइए प्लीज। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय। जय हो कल की भगवान की जय हो। जय सियाग की जय हो। गुरु सियाग की जय हो। दादा गुरु की जय हो। दादा गुरु की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर कल की हर हर कल की हर हर कल की हर हर कल की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से पुनः निवेदन है इसी प्रकार अगले रविवार को आप सभी से निवेदन है आए जुड़े और इस कार्यक्रम में गुरुदेव के की बातों को आप लोग ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसको उतारें। जय गुरुदेव आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।